तो रूस और यूक्रेन में जंग चल रही है, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। भारत के कुछ युवा भी इसमें फंस गए हैं। हमने आपको बताया था कि कुछ लोग धोखाधड़ी करके युवाओं को रूस ले गए हैं, धोखे से उन्हें जंग के मैदान में भिजवा दिया। लेकिन अब हाल ही में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन के बीच मुलाकात हुई। इसके बाद लोगों में उम्मीद है कि उनके बच्चे घर वापस आ जाएंगे। हरियाणा से रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस मुलाकात के बाद बहुत सारे परिवारों की उम्मीद जगी है। हम यहाँ फंस चुके हैं और कल रात को हमें बिल्कुल फ्रंट लाइन के पास में डाल दिया है। हरियाणा में कैथल जिले के मटौर गांव के 6 युवाओं को एक एजेंट ने ट्रांसपोर्ट कंपनी में नौकरी का झांसा देकर युद्ध में धकेल दिया। वो युवा युद्ध के लिए ट्रेंड नहीं थे। एनडीटीवी ने सबसे पहले 5 मार्च को इस खबर को ब्रेक किया था। ट्रांसपोर्ट कंपनी में लोडिंग और अनलोडिंग का झांसा देकर इन युवाओं को रूस ले जाया गया था, जहां उनसे रूसी भाषा में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया। रूस यूक्रेन युद्ध में भाग सिंह के बेटे साहिल घायल हो गए। साहिल के घर वालों को उम्मीद है कि बेटा घर जरूर आएगा। अच्छा लगा मुझे कि हमारी प्रधानमंत्री ने बहुत मदद की, कि हम बहुत खुश हैं सभी लोग कि सबके वापिस आ जाएंगे बच्चे। जो मेरा लड़का साहिल, दोनों गुड्डे में को गोली निकल रही है, घायल है। हम तो ये विश्वास से ही कह रहे हैं प्रधानमंत्री से भाई कि हमारे लड़के को हम यहीं दिखा लेंगे, भाई उसे जल्दी जल्दी बाहर निकाल लें। जो बच्चे रूस के अंदर फंसे हुए हैं तो उस पर वहाँ की सरकार मान भी गई है, तो उम्मीद तो एक जगी है इस चीज़ से कि कोई कि वहाँ से बच्चे जो वहाँ पर फंसे हुए हैं वो लौट आएंगे जल्द से जल्द। जैसे मैंने मेरे भाई के साथ बात की तो उसने मुझे ये बताया कि ये अभी भी मुझे बाहर में जाने की वो कह रहे हैं कि तुझको वार में लेके जाएंगे। मेरा नाम साहिल है और मैं हरियाणा के कैथल जिले के मटौर गांव का रहने वाला हूं। साहिल ने युद्ध के मैदान से एजेंट पर आरोप लगाते हुए एक वीडियो जारी किया था। वीडियो में उन्होंने बताया कि गांव के एक एजेंट ने झूठ बोलकर उन्हें सेना में भर्ती करवा दिया। रशिया में टूरिस्ट वीजा लगवाया, ट्रांसपोर्ट में आपको काम दिलवा दूंगा। भारत सरकार से हाथ जोड़ के विनती कर। यही आरोप लगाते हुए करनाल जिले के गांव सामली के हर्ष ने वीडियो जारी करते हुए भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई थी। बहुत ज्यादा खतरा है, हो सकता है कि अगली बार हम फ्रंट लाइन पे जाए तो हमारी लाशें भी आप सबको ना मिले। अपने बच्चों की रिहाई के लिए परिजनों ने दिल्ली में बैठे नेता और मंत्रियों तक अपनी बात पहुँचाने की कोशिश की। ये कोशिश कामयाब हुई। देश के प्रधानमंत्री ने इन परिवार की बात को रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सामने रखा। रूस से भी आश्वासन मिला है। रूस में बलदेव भी फंसे हैं। बलदेव के 2 बेटियां और 1 बेटा है। बच्चों को उम्मीद जगी है कि उनके पापा भी जल्दी घर आएंगे। बस मेरे पापा जल्दी से घर आ जाए, मैं मोदी जी का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। 5 महीनों से मेरी माँ, मेरे भाई बहन सभी को याद आती है। वापिस ला रहे हैं क्योंकि वो वहाँ बहुत बुरी तरह से फंसे हैं। वो मेरे पापा को वापस ला जाएगा, इससे हमें बहुत खुशी हो रही है। ये अजय हैं, इन्होंने अपने भाई रवि को अपनी खेती की जमीन देकर विदेश भेजा था। 12 मार्च के बाद से रवि लापता है। अजय को खुशी है कि गांव के युवाओं की घर वापसी होगी। हालांकि उन्हें इंतजार है कि इनका भाई भी लौटे। 8 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन के बीच हुई मुलाकात ने उन परिवारों को नई उम्मीद दी है जिनके बच्चे एजेंट ने झूठ बोलकर रूस और यूक्रेन युद्ध में धकेल दिए थे। हरियाणा के कैथल जिले का गांव मटौर भी उनमें से एक है, जहां से 6 युवा एजेंट ने झूठ बोलकर रूस यूक्रेन युद्ध में धकेल दिए थे। उन परिवारों को नई उम्मीद जगी है कि उनके बच्चों की अब घर वापसी होगी। कैथल से सुनील रवि, एनडीटीवी इंडिया।